बड़ी खबर आपको बताएंगे पूर्वी दिल्ली से, जहां पर वेलकम इलाके में गिरी है बिल्डिंग। दो मंजिला इमारत ढहने से हादसा हो गया। हादसे में दो मजदूरों की मौत की खबर भी मिल रही है। मलबे में दबने से एक शख्स की हालत गंभीर है। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पूर्वी दिल्ली से, जहां पर इमारत गिरी है, वेलकम इलाका है, जहां पर दो मंजिला इमारत गिर गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीन मजदूरों को बाहर निकाला है, जिसमें दो की मौत हो गई है, एक की स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे हादसे की जांच कर रही है। ग्राउंड फ्लोर पर जींस कटिंग का काम चल रहा था, ये इसमें जानकारी नहीं मिली है। ये पूरा इलाका देखिए काफी कंजेस्टेड इलाका भी है, और ऐसे में जब यहाँ पर बिल्डिंग गिरी है तो काफी चुनौती भी एनडीआरएफ के लिए है, क्योंकि वहां पर जो मलबा हटाने का काम है वो अभी लगातार जारी है। मलबे को हटाया जा रहा है, स्थानीय लोगों की मदद से भी वहां पर जो तमाम लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। पूर्वी दिल्ली में इमारत गिरने की ये तस्वीर, ये हादसा, दो लोगों की जान इसमें चली गई है, एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। तो इसका पूर्वी इमारत में इमारत का एक हिस्सा गिर गया, दो मंजिला ये इमारत थी, और आप तस्वीर देखकर अंदाज़ा भी आप लगा पाएंगे कि पुरानी यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, इलाका भी काफ़ी कंजस्टेड है, सड़कों पर बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ है, और ऐसे में पुलिस को थोड़ी सी मशक्कत भी हो रही है स्थिति पर काबू पाने में, कंट्रोल करने में। ग्राउंड फ्लोर पर जींस कटिंग का काम चल रहा था, मजदूर वहां पर थे, तीन मजदूर इसमें दब गए, दो की तो मौके पर मौत हो गई है, एक की हालत इसमें फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। तमाम जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो पर ही हमारे संवाददाता सुरेश झा मौजूद हैं। सुरेश, सबसे पहले वहां की स्थिति बताइए, क्योंकि वहां पर राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इलाका है ये कबीर नगर का इलाका है, और यहाँ की बड़ी सघन बस्ती, देखिए मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको इजरा दिखाएं कि कितनी यहाँ कॉलोनी है। यहाँ पे एक के साथ एक सटे हुए मकान बने हुए, और जिस देखिए मकान जो जिस तरह से बने हुए हैं, ये छोटी छोटी इलाकों में इस तरह से बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। आप देखिए, और ये घटना जो हुई है, ये शाहिद नाम का शख्स है, जिसका दो मंजिला इमारत थी, जो रात को 2:16 पर गिरी है। सुबह जब कॉल मिली तो यहाँ पुलिस पहुँची, जिसमें दो लोगों की मौत हुई है और इसमें एक इंजर्ड है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दो मंजिला इमारत था, और आप देखिए हमारे कैमरा ने आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो सघन बस्ती है, बिल्कुल ये कबीर नगर का इलाका है, और यहाँ पे जिस तरह से मकान बने हुए हैं इस निर्माण के दौरान, देखिए कि कितने छोटे से इलाके में छोटे किस तरह लोग जो है दो दो मंजिला, तीन तीन मंजिला इमारत बना देते हैं, और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो उसमें रहते हैं। हालांकि पुलिस अभी लीगल एक्शन ले रही है, जो इस मकान का जो मालिक है शाहिद, इसके बारे में पता चला काफी कंजेस्टेड ये पूरा इलाका लग रहा है। मलबे को हटाने का काम जारी है। जो एक घायल शख्स है, जो मजदूर एक घायल है, उसकी स्थिति कैसी है? गुरु तेग बहादुर अस्पताल में एडमिट कराया गया है, उसकी हालत अभी हालांकि क्रिटिकल बनी हुई है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये जो घटना हुई है इसको बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि जो घटना अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक घटना है कि एक बिल्डिंग गिरी है, दो लोगों की मौत हुई है, तो पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लेकिन जो भी इंजर्ड है उसकी हालत अभी क्रिटिकल बनी हुई है। जी, क्योंकि आप तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि ये हादसा हुआ कैसे? पुलिस का इसमें शुरुआती बयान फिलहाल क्या कुछ आया? पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल क्या कह रही है? देखिए, जो DCP यहाँ के जॉय टिर्की, उनसे बात हुई थी, उनका ये कहना है कि ये घटना जो हुई थी देर रात की घटना है, और जिस तरीके से बिल्डिंग गिरी है बड़ी सघन बस्ती है, और आप यहाँ देखिए कि मकान जो बने हुए हैं काफ़ी, यहाँ पे लोगों ने दो दो तीन तीन मंजिला इमारत बना रखी है, और यहाँ की नींव कमज़ोर होती है, और ये जो है यहाँ पे जो मरे हैं वो जो मजदूर थे जिनकी डेथ हुई है, और आप देखिए कि दो मंजिला इमारत था, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर जो पूरा मलबा गिरा है जिसकी वजह से मौत हुई है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का जो है कोई नियम कायदे कानून नहीं है, लोग अपने मन मर्जी जो यहाँ पर जो है बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, नींव कमज़ोर होती है, और जिसका जो खामी जो लोग भुगतना पड़ता है जिसमें रहते हैं। तो ये घटना है, हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरा लीगल एक्शन लिया जाएगा इसके अंदर। तमाम टीमें यहाँ पहुंची थी, जांच कर रही है, क्योंकि जो बिल्डिंग जो गिरी है बता पीछे की तरफ है, पुलिस ने उसको फिलहाल अभी सील कर दिया है। लेकिन यह है कि पुलिस इस पूरे मामले को बड़ी संजीदगी से ले रही है, पूरे मामले की पूरी जाँच करेगी इसके अंदर। क्योंकि सुरेश, पहले ये जानकारी मिली थी कि 4 से 5 लोगों के फंसे होने की मलबे में संभावना थी, अब इसमें अपडेट क्या है? देखिए, इसमें जो अभी अपडेट है, इसके अंदर जो मलबे में तीन लोग थे, जिनकी दो लोगों की मौत हो चुकी है, और अभी एक क्रिटिकल है, और फिलहाल भी बचाव राहत का कार्य जो है खत्म हो चुका है। पुलिस यहाँ पे हालांकि तैनात है, पूरे इलाके के अंदर देखिए कि पुलिस यहाँ पे तैनात है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि इसके अंदर शाहिद जो है उसकी शख्स की, उसको पुलिस अभी गायब है, उसको ढूंढ रही है पुलिस, उसके ढूंढने के बाद इस पर आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है सुरेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो देखिए तस्वीरें आपको हम लगातार क्योंकि वहां से दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने जानकारी भी दी कि लेकिन जो मालिक है वो अभी फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल जांच भी कर रही है। ये तस्वीर उस दौरान की है जब वहां पर यह हादसा हुआ। रात को करीब 2:15 के आसपास का ये मामला था जब ये बिल्डिंग यहां पर गिरी। तत्काल एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई, वो टीम मौके पर पहुंची और अब वहां पर फिलहाल मलबे को हटा लिया जा चुका है। जो 3 लोग फंसे हुए थे जिसमें से 2 की जान चली गई है, 1 जो मजदूर था वो गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है लेकिन अभी भी स्थिति उसकी फिलहाल क्रिटिकल बनी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली की तस्वीरें हैं, इलाका पूरा कंजस्टेड है। कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं इस हादसे के बाद कि जो 2 जान गई उसका आखिर जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर आएगी। इतना कंजस्टेड ये इलाका है, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है तो लेकिन जो वहाँ का बिल्डिंग का जो मालिक है वो फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हादसे में 2 की मौत हो गई है, 1 फिलहाल घायल है।